हेलो दोस्त, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आप पीएसएम के तीन चैप्टर हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। फोर मेडिकल पीजी इंट्रेंट्स, जिन जिन तो जो जो टॉपिक्स इन चैप्टर्स में रिपीट हो रहे हैं, हर बार रिपीट होते हैं, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, वो आपके साथ में उसका और भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। नंबर वन, आपका चैप्टर नंबर वन में आपको जो 11 साइंटिस्ट हैं जिनके नाम लिख रखे मैंने, उनके कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं लास्ट 10 ईयर में, इन्हीं पर आए हैं बस। उसमें बहुत सारे चीज़ हैं पा के अंदर बस, लेकिन आपको सिर्फ 11 जो साइंटिस्ट हैं उन्हीं की कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। सेकंड आता है जो मेजरमेंट ऑफ हेल्थ है चैप्टर, उसमें तीन है। नंबर वन आपका जो पहला पार्ट रेट रेशियो और प्रोपोर्शन, उसमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए आपको, इसके दो, इसके फोर, इसके आपका है प्रोपोर्शन प्रीवेलेंस यूज होता है और पाई चार्ट यूज होता है। मोर्टिलिटी इंडिकेटर पता होना चाहिए आपको, 5 होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल। एंड आपका डेथ सर्टिफिकेट एंड मोरबिडिटी इंडिकेटर 2, इंसिडेंट्स एंड प्रीवेलेंस। फोर्थ आपका आता है डिसेबिलिटी इंडिकेटर, 3 होते हैं, इनमें कौन सा बेस्ट होता है, कैसे यूज होते हैं, इन पे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड चैप्टर आता है आपका इन्फेक्शियस डिजीज एपिडेमियोलॉजी, उसमें सबसे पहले पार्ट आता है थ्योरी ऑफ डिजीज फॉर्मेशन। इसमें 7 थ्योरी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन, वेब ऑफ कॉजेशन, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, एडवांस ट्रायंगल ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल व्हील थ्योरी। आपको पता होना चाहिए सातों कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है। सेकेंड जो पार्ट आता है इस चैप्टर के अंदर वो है नेचुरल डिजीज ऑफ हिस्ट्री। इसमें दो फेज हो सकते हैं, प्री पैथोजेनिक फेज, पैथोजेनिक फेज। प्री पैथोजेनिक फेज में हमें पता होना चाहिए रिस्पेक्टेड इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, इन्फेक्टिविटी क्या होती है, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, विरुलेंस क्या होती है। रिजर्वोयर में हमें उसकी क्लासिफिकेशन, लिविंग नॉन लिविंग, ह्यूमन एनिमल के अंदर एग्जाम्पल, केस एंड करियर में, उसके अंदर दो टॉपिक और आते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन एंड आइसबर्ग फिनोमिना। एनिमल के अंदर तीन टाइप की हो सकता है आपका रिजर्वोयर, एंथ्रोजूनोसिस, जू एंथ्रोसिस एंड एम्फीजिनोसिस। इसके अंदर तीन डिजीज, इसके अंदर ह्यूमन ट्यूब इन कैटल, और इसके अंदर दो एग्जाम्पल आपके आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है, उसके एग्जाम्पल, इसके अंदर डायरेक्ट के अंदर बॉडी फ्लूड, इनडायरेक्ट के अंदर वेक्टर हो सकता है व्हीकल। वेक्टर बोर्न डिजीज आपकी दो टाइप की, ट्रांसमिशन मैकेनिकल, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल तीन टाइप का, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, बोथ हो सकता है, उसे क्या कहते हैं पता होना चाहिए, एग्जाम्पल पता होना चाहिए। उसका नेक्स्ट पार्ट आता है अटैक एंड सेकेंड अटैक रेट, क्या होता है पता होना चाहिए हमें। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग। सर्विलेंस आपकी तीन टाइप की हो सकती है, पैसिव, एक्टिव, सेंटिनल। मॉनिटरिंग प्लस एक्शन प्लस एंड फीडबैक आपका सर्विलेंस हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट आपके इस चैप्टर का आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का क्या रोल होता है डिजीज़ के अंदर, इसके अंदर सीरियल इंटरवल क्या होता है हमें पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल, एलिमिनेशन एंड एराडिकेशन में डिफरेंस। एसोसिएशन डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट आपका 1-to-1 एंड मल्टीफैक्टोरियल हो सकता है, इनडायरेक्ट आपका कन्फाउंडर प्रेजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आता है टाइम फ्लक्चुएशन एंड ट्रेंड, तीन टाइप के, शॉर्ट टर्म, पीरियोडिक एंड लॉन्ग टर्म। टाइप ऑफ एपिडेमिक्स में आपके दो हो सकते हैं, या तो कॉमन सोर्स या प्रोपेगेटेड। कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर या कंटिन्यूस एक्सपोजर। तो दोस्तों, ये हमने इन तीन चैप्टरों में जो आपके टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपके साथ में डिस्कस किया। तो थैंक यू।